Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 219, and the topic of discussion is Why the discrepancy? When we are talking about discrepancy, basically the discrepancy can take place in between the words and the actions, and we have to be sensitive about it. That discrepancy naho because of hone se we achieve proper outcomes. कोलोफेल के तजाद को टैकल करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी यह है कि हम अपने वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करें इट इज सेड कि इट इज नॉट हार्ड टू मेक डिसीजन व्हेन यू नो व्हाट आर योर वैल्यूज तो जब हम अपने वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करें जब हम हम अपने सोर्सेज ऑफ वैल्यू को अंडरस्टैंड करें उस वक्त हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ये जानना कि हमारे लिए फैसले की प्रायोरिटी वो क्या है सो सो मच वैल्यूज कैन इवन गिव अस द क्लू कि हमें अपने फैसले को किस तरह से करना चाहिए प्रॉब्लम के दौरान भी हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत इफेक्टिव होगा बिकॉज हमारे लिए प्रॉब्लम्स वही मानी रखेंगी जो दरअसल हमारे वैल्यूज से ड्राइव हो रही होंगी बिकॉज हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन बाजोकात होती है और उस सिलेक्टिव परसेप्शन की वजह से हम एक चीज को कंप्रीहेंड तभी कर पाते हैं जब वो चीज हमारे कोग्नेटिव पार्ट में हमारे बिलीफ सेट में वो मौजूद हो देयरफॉर याद रखें कि टोटल लीडरशिप के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी वैल्यूज का डिफाइन होना वो बहुत जरूरी है एक और चीज बहुत अहम यह है कि वैल्यूज से मुराद एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं होगी अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर तीन से चार वैल्यूज को भी अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई कर पाएं तो इवन वो वैल्यूज भी आपको एक ऐसा ट्रिगर दे पाएंगी एक ऐसा बूस्ट दे पाएंगी कि जिससे कि आप अपने मश को लेकर चलोगे और ऐसे चलोगे जैसे कि मंजिल आपके लिए आसान है देर फोर रिमेंबर वन थिंग वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करना हमारे लिए जरूरी है तभी डिसीजन मेकिंग भी हमारे लिए करामद वो होगा इस मकसद के लिए देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द वैल्यू सिस्टम विच वी नीड टू अंडरस्टैंड उस वैल्यू सिस्टम के दौरान चंद बातें जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है उसको अब हम डिटेल से एलबोरेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर थ्री बेसिक वैल्यूज दैट सीम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन द सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर द वंस विच हैव टू डू विद अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप डिटेल वो क्या है और उस रिलेशनशिप डिटेल में कौन कौन से रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के किन किन ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरीके से व्यवस्था वो है द सेकेंड दैट कॉग्नेटिव रैशनैलिटी इज टू बी एम्फोसाइज रैशनैलिटी को जब हम एम्फोसाइज करते हैं इन अवर सेकंड कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टू बी प्लेड डाउन हमें देखना पड़ेगा कि वह तमाम तर एहसास और महसूस वो क्या है और उन तमाम एहसासा और महसूस की रोशनी में हमें किन कोर्सेज ऑफ एक्शन को एडॉप्ट वो करना चाहिए द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर मोस्ट इफेक्टिवली इंफ्लुंस्ड थ्रू यूनिट्रल डायरेक्शन कोअर्जन एंड कंट्रोल एज वेल एज बाई रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज दैट सेंशन थ्री वैल्यूज ऑल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज So, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जजा और सजा का कानून वो क्या है हमें यह देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट और इंपेक्ट वो कर रही हैं और हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां पर हमें पॉजिटिव री और कहां पर हमें नेगेटिव री की जरूरत है बिकॉज वही आपके री एनफोर्समेंट इवेंचुअली आपको बूस्ट करती हैं आपको लेकर चलती हैं टूवर्ड्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अब हमारी वैल्यूज वो क्या हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज क्या हैं और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कौन कौन से री हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाती हैं इन तमाम बातों का क्लियर होना हमारे लिए जरूरी है तभी हम एक ऐसा डिसीजन कर सकेंगे जिस डिसीजन में डिसी ना हो जिस डिसीजन में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं और हमें फ्रूटफुल आउटकम्स वो अचीव हो सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस बिकॉज वैल्यूज से ही हमारा कॉग्नेटिव वो डिवेलप करता है और कॉग्नेटिव के साथ ही एसोसिएटेड हमारा इफेक्ट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट भी मौजूद है देरफोर वैल्यूज का डिफाइंड होना वैल्यूज को अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना और वैल्यूज के मुताबिक अपनी डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज को लेकर आना हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है